जहां एक तरफ कोरोना वैश्विक महामारी बन चुका है, वहीं आरा सब्जी मंडी में लॉकडाउन का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। सुबह होते ही सब्जी गोला में सैकड़ों के तादाद में लोग सब्जी मंडी पहुंचते हैं खरीदारी के लिए। स्थानीय लोगों में भय व्याप्त हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का मामला बढ़ते जा रहा है, वैसे में कोई अनहोनी ना हो इसके लिए स्थानीय लोग बार बार प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि इन सब जगहों पर लगातार कार्रवाई किया जाए। वहीं साथ ही सिंडिकेट पर भी कुछ इसी तरीके का नजारा है। जिला प्रशासन और प्रशासन की गाड़ी जब भी जाती है तो लोग अपने दुकान बंद कर देते हैं। जैसे ही गाड़ी चली जाती है पुनः लोग दुकान सजा कर बैठ जाते हैं और भीड़ लगा देते हैं। ऐसे में कोरोना का इनको जरा भी डर और भय नहीं है। इन्हें ये नहीं पता कि ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो कितना खतरनाक हो सकता है। लॉकडाउन तोड़े के रास्ता लगेगा, तैयार होगा। किराना है तो खरीदेंगे तो फिर बहुत बिकली रोड है, सारी मोहल्ला है। क्या स्थिति यहाँ की? सुबह और शाम यहाँ पर लॉकडाउन का ध्वजिया उड़ाया जा रहा है पूरा गोला में। अभी आप देख सकते हैं स्थिति, गेट पर जाइए बिकली रोड गोला में 144 लागू किया, पालन किया जा रहा है? कुछ पालन नहीं हो रहा है, कुछ पालन नहीं हो रहा है। भीड़ पूरा लाइन से लगा हुआ है, सब लोग दुकान खोल के अपना दुकानदारी कर रहे हैं। लॉकडाउन का ध्वजिया उड़ा हुआ है यहाँ पर। आपने थाना सूचना दिया कि यहाँ पर इस तरीके का? थाना तो चौक पर खड़ा है ही, देख ही रही है। उसके बाद भी लोग नहीं मान रहा? कहाँ मान रहा है, मतलब स्थिति इधर बहुत काफी गंभीर हो सकती है। इधर 5 दिन से बहुत स्थिति, ये मान के चलिए एक तरह से विस्फोटक की स्थिति है। अगर एक भी कोरोना मरीज इसमें है तो सभी लोग को कोरोना का मरीज बना देगा। ये इस तरीके का मामला आता है।